अभी जो अभी इस वक्त हम आए हुए हैं पिपराड़ी गांव, जो बीच गांव है, जहां पर काफ़ी रास्ता जो टूट गया था, बहुत बड़े हिस्से में टूटा था। यहां पर देख रहे हैं 150 फीट लंबा। कितना फीट टूटा था? 150 फीट लंबा, 150 फीट लंबाई में, 14 फीट चौड़ा, 10 फीट डीप। अच्छा, वहाँ भी हम देखे हैं, वहाँ भी सेम टूटा हुआ है। आगे भी है, आगे भी है, बहुत जगह तो कल होगा ना, इसी में हमको दिन भर लग जाएगा। तो इसमें अभी इतना माल लग गया है? अभी तक मोटा मोटी 80 किलो माल लग गया, 80 किलो लगेगा। अच्छा, आप लोग जो करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर क्या कोई पुल का सिस्टम है कि नहीं? वो तो हमको विभागीय जैसा आदेश मिलेगा वैसे। अभी रोड यहाँ पर जो रोड इस पे यही रह जाएगा या बनेगा इसके ऊपर? अभी मोटरेबल किया जा रहा है जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ पप्पू जायसवाल जी। और जो इस रोड का काम किया हम लोग जी, लक्ष्मी सिंह कंस्ट्रक्शन जी जी। वो जो सामने जो चकवा से मरपा जाता है, वो बांध के से रोड जाता है सुलिस गेट के पास, वो रोड आप ही काम करवाएं जी जी। तो बीच में रुक गया था वहाँ रास्ता, और उसके बाद में आगे जो है कुछ निजी जमीन के चलते रुका हुआ। अभी इनका मिंटू साहब का है, ये लोग का जमीन से बात हुआ है उस पर जी, अब वो बनेगा जी नहीं। मगर अभी जो मेन है कि रास्ता चालू करना, बाढ़ की वजह से कहीं 150 फीट, कहीं 200 फीट, 12 फीट, 14 फीट गड्ढा कर दिया बाढ़ है, उसको अभी रिपेयरिंग करके किसी तरह रास्ता को सुचारू किया जा रहा है, समझे कि नहीं, जिससे माने कि आवागमन माने कि चालू हो जाए, पब्लिक को दिक्कत ना हो, आने में परेशानी न। लेकिन एक दिक्कत और है, हम पूरा इलाके में घूमते रहते हैं, हम पैदल ही आए हैं, तो वहाँ पर जो है स्कूल से निकलिएगा, पुल जो है पुल के पास बांस नहीं है, बांस के आगे भी है, और बांस से आगे बांध के जस्ट नीचे बहुत खतरनाक हो चुका है, वो कल हो जाएगा वो। और अभी जो आप चकवा में जो डाले हैं, चकवा जो निकलते हैं मस्जिद से पश्चिम, वहाँ पर अभी ईटा ऐसे इस तरह का ईटा हो गया हुआ है, तो पब्लिक को बाइक लाने में दिक्कत हो रहा है, राबिस गिरने जा रहा है, और आज शाम तक वहाँ पर 4-5 ट्रेलर जो भी लगेगा राबिस, वो गिर के उसको जेसीबी से बराबर कर दिया जाएगा, समझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया से बढ़िया काम हो रहा है जी। आप लोग काम कर रहे हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं कि हम तो लोग से जुड़े हुए हैं, ताकि यहाँ की खबर में पल पल की खबर रहता हूँ। हम पब्लिक है, समाज सेवा में लगे हुए हैं जी, बहुत अच्छी बात है। काम बढ़िया से बढ़िया हो, जो भी है माने कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन से जो काम हो रहा है बढ़िया से बढ़िया कर दे, और ये बढ़िया से बढ़िया कर रहे हैं हम संतुष्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े हमसे और जानकारी दिए, पब्लिक भी देखा आप लोगों का। देखिए तो ये हाल है, जो रास्ता जो हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ आने के बाद काफ़ी क्षति होती है रास्ता का, रोड का, और पब्लिक को परेशानी होती है। तो अभी तक ये देख रहे हैं पानी है यहाँ पर, और काफ़ी फसल किसान का हो गया हुआ है। अभी आप बता सकते हैं आप लोग कि बाढ़ घोषित क्यों नहीं हुआ है, वजह क्या है? वजह है, वो तो प्रशासनिक काम है, वो प्रशासन से मुखिया समझे, जो प्रतिनिधि है वो समझे क्या किया नहीं किया, और प्रशासन क्या मुखिया किया है? नहीं, मुखिया तो नहीं है, बीमार नहीं है, मेंबर था, कहे थे लिख के दो, अब किसी ने लिख के दिया है नहीं दिया, ये तो सीओ साहब समझेंगे, अब डीएम साहब समझेंगे, और यहाँ के विधायक समझेंगे, एमपी समझेंगे, मुखिया ही समझेंगे। अच्छा, वो लोग समझेंगे, तो इन लोगों का कहना है कि विभाग के लोग समझे, मुखिया जी समझे, और मेंबर लोग समझे कि बाढ़ घोषित क्यों हुआ, काफी लोगों का यहाँ पर नुकसान हुआ। हम चलता है, पब्लिक लोग हैं पिपराड़ी के, उनसे पूछते हैं कि बाढ़ के बारे में वो लोग क्या कहना चाहेंगे। तो आप लोग बताइए, हो ये जो टूटा हुआ था काफी गहरा टूटा था क्या? बताइए, एकदम बताते हैं, ये मुखिया फंड से बना हुआ रोड है, मुखिया को चाहिए था कि इसको भरवावे, ये राधिका माने लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन का काम है, उनको जहाँ काम मिला वो वही कर रहे हैं, मगर ये तो मुखिया फंड से बना था, मुखिया अपने निजी फंड से, विधायक जी अपने निजी फंड से इसको बनवा सकते हैं। अच्छा, ये आपका कहना है कि मुखिया जी आए हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं, आप लोग कहना ये मुखिया जी के फंड से बना था? हाँ, तो ये अधूरा रह गया, इस पे सोलिंग उलिंग क्या होने वाला था? कुछ नहीं गिरा, सिर्फ मट्टी डाल दिए बस हो गया, और बाढ़ में बह गया है। ये विधायक जी से और मुखिया जी से अनुरोध है कि इसको अपने निजी फंड से इनको बनाया जाए, निजी फंड से बनाया जाए। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ जो बाढ़ आया गाँव में, दहार आया, बहुत परेशानी, रोड टूट गया, आप लोग का फसल वसल के बारे में कुछ बताएंगे क्या नुकसान? फसल पूरी तरह से तबाह है, पूरे खत्म है, तो बाढ़ यहाँ इतना नुकसान है, रास्ता रोड टूटा हुआ है, लेकिन सरकार यहाँ पर घोषित नहीं कर रहा है, तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे?
बाढ़ कोई लाभ नहीं है, कोई बाढ़ नहीं है, कुछ सुनवाई कुछ मिला नहीं, कुछ सुनवाई नहीं है। क्या करें हम लोग, दाही एरिया में और अभी तक कोई बाढ़ घोषित भी नहीं हुआ। अभी लोग परेशान है कि क्या बात है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। तो इस पर आप लोग शेयर करें, जरा गौर करें, इस बात को आगे तक फैलाए कि देखा जाए यहाँ लोग परेशान है, काफी नुकसान है। रास्ता से आप मिला सकते हैं, यहाँ पर जगह जगह पर टूटा हुआ, इससे आगे टूटा हुआ है, इधर पूरा पश्चिम साइड टूटा हुआ है, काफी टूटा, हर जगह टूटा हुआ है रास्ता। काफी पानी था यहाँ पर, कितना पानी था यहाँ पर, हो बिजली के तारे पानी। ये घर जो है ना, वो ऐसे नहीं बताइए, जो घर है घर जो हाथ हरा है, ये जो हाथ धरे हुए हैं वहाँ तक पानी था, बहुत पानी था। यहाँ तक पानी से घर डूबी जा रही, घर डूब जाता है ना, उधर कम हो, आगे जाके आगे कम होगा ना। हाँ, पानी का चेना है वहाँ तो। यहाँ पर ये इतनी परेशानी हुई है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब तक गवर्नमेंट की तरफ से बाढ़ घोषित नहीं किया गया है। तो हम आ गए आज पिपराड़ी गांव में, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, लेकिन हम आज आए हैं, देखते हैं पिपराड़ी गांव का हाल क्या है। तो यहाँ देखिए, पिपराड़ी गांव में हम खड़े हैं, तो ये पोखर जैसा है, उधर के आदमी हिल के आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि मुखिया जी के फंड का है, तो वो अभी तक वो बना नहीं, सिर्फ मिट्टी लगा के, बल्कि उन लोगों को ब्रांच रोड है, तो वहाँ आने के लिए रास्ता लोगों को नहीं मिल पा रहा है, पानी लगा हुआ है, तो बहुत दिक्कत है। मैं बार बार लाइव दिखाता हूँ, आता इसलिए कि मैं समाज का हूँ, और जहाँ पर कमी होती है मैं अपने स्तर से, अपने तरफ से लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या कमी है और कौन सा काम हो रहा है। चलिए, मैं फिर आप लोगों से जुड़ूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम आप लोगों से जुदा होते हैं। और ये जानकारी आप लोगों के मैंने लाइव के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा दिया है, और आप लोगों का काम इस आगे तक पहुँचाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा पहुँचेगा तो देख लीजिए यहाँ का हाल। चलिए ठीक है, ज़्यादा क्या, इतना काफ़ी है।